राजस्थान रॉयल्स में सिलेक्शन हुआ इनका, और गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं इनका नाम, अनन्य सिंह, ही इज अ ग्रेट ऑलराउंडर। और हम लोग खेलते खेलते सर का इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपका सिलेक्शन हुआ है। कैसा आप महसूस कर रहे हो? जो नए बच्चे जो सीख रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो ये बताइए कि सिलेक्शन प्रोसेस और ये मेहनत कैसा रहा, और जो नए बच्चे जो आना चाह रहे हैं क्रिकेट लाइन में उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? कि आप मेहनत करते रहें, प्रोसेस पे बिलीव रखें, जो अपना आपका खुद का जो ड्रीम है उसको बिल्कुल फॉलो करें और कभी गिव अप ना करें। ओके, अपने टीम को। और जो मतलब प्रैक्टिस कितना घंटा पर डे आप करते हैं तो इस लेवल तक आए हैं? 6-7 घंटे से कम नहीं पर डे। तो एज ए बैट्समैन और बॉलर दोनों ऑलराउंडर। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। पहली बार अपनी लाइफ में ब्लॉगिंग करते समय मैं किसी क्रिकेटर से मिल रहा हूं और देखता हूं उनका मतलब लाइफ स्टाइल, और उनसे पूछते हैं कि युवा अगर जुड़ना चाहते हैं, नए युवा के लिए क्या वो बोलना चाहते हैं। तो छोटा सा एक इंटरव्यू उनका हो जाए। अनुनय सिंह फ्रॉम बिहार वैशाली डिस्ट्रिक्ट, ही इज ए ऑलराउंडर और रिसेंटली वो सिलेक्ट हुए हैं राजस्थान रॉयल्स में। मैंने अभी गूगल किया, इंडियन क्रिकेटर अनुनय सिंह जो कि हमारे बिहार के वैशाली जिला के हैं वो आए हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए 2 मिनट उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। अनुनय सिंह, उनका परफॉर्मेंस रहा है रिसेंटली इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ है राजस्थान रॉयल्स में। तो एक इंटरव्यू तो उनके साथ बनता है और एक फोटोशूट तो बनता है यार। इंडियन क्रिकेटर, अपने आप में खुशी होती है इंडियन क्रिकेटर के साथ खड़े रहने में। ये देखिए, इन्हीं का सिलेक्शन हुआ है राजस्थान रॉयल्स में, मिस्टर अनन्य सिंह फ्रॉम वैशाली। बात करते करते आप फील्डिंग करते रहिए, मैं कुछ सवाल पूछ लूंगा आपसे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपका सिलेक्शन हुआ है। कैसा आप महसूस कर रहे हो? जो नए बच्चे जो सीख रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? और हम लोग खेलते खेलते सर का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सिलेक्शन प्रोसेस और ये मेहनत कैसा रहा, और जो नए बच्चे जो आना चाह रहे हैं क्रिकेट लाइन में उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? कि आप मेहनत करते रहें, प्रोसेस पे बिलीव रखें, जो अपना आपका खुद का जो ड्रीम है उसको बिल्कुल फॉलो करें और कभी गिव अप ना करें। ओके, अपने टीम को। और जो मतलब प्रैक्टिस कितना घंटा पर डे आप करते हैं तो इस लेवल तक आए हैं? 6-7 घंटे से कम नहीं पर डे। तो एज ए बैट्समैन और बॉलर दोनों ऑलराउंडर। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, सही बात है। जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, और कभी भी गिव अप मत करिए, प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करने से ही कुछ होगा। और वी आर लकी कि हम एक ऐसे बैट्समैन से मिले कि जो बिहार के हैं और युवा हैं, और उन्होंने बताया कि जो नए क्रिकेटर हैं वो कैसे इस लाइन में आ सकते हैं। यू हैव टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आप देख रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में यही था कि नए सिलेक्शन हमारे बिहार के युवा टीम के, और राजस्थान रॉयल्स में सिलेक्शन हुआ इनका, और गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं इनका नाम, अनन्य सिंह, ही इज अ ग्रेट ऑलराउंडर। शानदार लेंथ रन अप, वाओ, ब्यूटीफुल। ये मिस्टर राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर बैट्समैन है। वाओ वाओ, व्हाट अ लवली सिक्स। रिसेंटली आप मेरे इस वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने एक क्रिकेटर का जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हैं, अनन्य सिंह, ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, और उनसे हमें आज बात करने का मौका मिला। और उनसे हमने पूछा कि जो युवा इसमें आना चाहते हैं क्रिकेट में तो उनको क्या करना पड़ेगा, कितने आवर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो पूरा वीडियो आप मेरे इस ब्लॉग में देखिए। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई अमीर का ही लड़का केवल क्रिकेट में जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाया है कि जो मेहनत करेगा, जो 6-7 आवर कंटिन्यू अपना समय देगा क्रिकेट में, उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। आज गोरखपुर में इंटरव्यू है चाइना रेल दुबई के लिए,
तो उसी इंटरव्यू में हमारे साथ जा रहे हैं महतो जी, अब पीछे बैठे हैं मधुरेंद्र, और इधर हमारे गांव के हैं सुरेश जो कि दुबई में जा रहे हैं क्योंकि आज इंटरव्यू है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और आज के इंटरव्यू को हम सफल बनाते हैं। एक हफ्ते लाइन से इंटरव्यू है तो आप लोग आइए, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ फॉर्म भरने में एक्सपर्ट हैं। और ये दीपचंद भाई हैं, सब जानते ही होंगे इनको। क्या क्या पूछे थे आपसे कारपेंटर में? बोले खाली बोले कि इनको ये बक्स बनाना है, 660 और 530 का। 660 और 530 का, तो बक्स नहीं बना पाए? बना दिए थे। फिर क्यों फेल किए? फिर वो इनका को मैंने उसको काटी है ना, प्लाई है उसमें, प्लाई में स्लिप कर रहे हैं। तो सपोर्ट स्लिप कर रहे हैं तो काटी मारे तो वो बेंड हो जा रहे हैं। नीचे काटी, दो काटी मार दिया, स्लिप हो गए, दो काटी क्यों मार दिया? सही बात है, गलती है तभी फेल किए है ना। बनाया जाएगा तो इसमें काटी नहीं मारेगा तो कैसा है? गोरखपुर एयरपोर्ट पर लग रहा है शायद अरविंद केजरीवाल साहब आए हुए हैं, बहुत रश है, आइए देखते हैं। उनके आने से दिल्ली में परिवर्तन हुआ है, केजरीवाल साहब ने कर दिया वो, ये दोनों पार्टियां नहीं कर पाई दिल्ली के केस में। बाकी जगह को तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन दिल्ली में हिट है केजरीवाल साहब, उनका फॉर्मूला हिट है, उन्होंने काम किया है और ईमानदार छवि है, अभी तक उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, तो ये एक अच्छी बात है केजरीवाल साहब की। ये मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत राय है, मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं और दिल्ली में मैंने उनका काम देखा है, दिल्ली में उनका काम मुझे अच्छा लगा है। दोस्तों आज हमने चाइना रेल इंटरव्यू किया, उसके बाद से आज इंडियन क्रिकेटर अनुनय नारायण सिंह जो कि बिहार से हैं और आईपीएल राजस्थान रॉयल्स में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये दो इंटरव्यू किए। आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। ऐसे अफवाह है गांव में और आसपास में कि सर ने विदेश का काम छोड़ दिए हैं और मीडिया ज्वाइन कर लिए हैं और यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज भी विदेश का काम कर रहा हूँ। हाँ जब काम नहीं होता है तब थोड़ा सा समय मिलता है तो उसमें वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ थोड़ा अपने आप को व्यस्त रखने के लिए। तो जो भी आप लोगों के बोल रहा है कि सर विदेश के काम नहीं कर रहे हैं, गलत है। दोस्तों आज दो काम था, पहला काम तो ये था कि आज चाइना रेलवे दुबई का इंटरव्यू था, सिविल ट्रेड कारपेंटर मेसन स्टील फिक्सर और इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर का था, तो उसमें हम लोग आए थे गोरखपुर। मेरे साथ हैं बैजनाथ, पीछे महतो जी, और आपका क्या नाम है? अवध किशोर, और एक और हमारे लड़के गए हैं राजीव खाना खाने। और दूसरा मेरा इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इंडियन क्रिकेटर अनुनय सिंह जो कि बिहार से हैं। Close till I get up. Time is got me crazy just looking at it. Combing your hair with your hand gives me feelings I don't understand. Combing